जल्दी से सब्सक्राइब करें वायरल टेक चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आज के इस वायरल एपिसोड में मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप प्रोफेशनल 3D इंट्रो बना सकते हैं अपने YouTube वीडियो के लिए। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम फिल्मोरा की हेल्प से आपको बना के दिखाएंगे। तो सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना होगा अपने YouTube चैनल का लोगो। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैंने अपने YouTube चैनल का लोगो इंपोर्ट कर लिया है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं सैम्पल वीडियोज़। जी हाँ दोस्तों, ये सैम्पल वीडियोज़ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 9 काउंटडाउन मिलने वाले हैं। तो आप इनमें से जो आपको अच्छा लगे वो यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे काउंटडाउन नंबर 7 को यूज़ करेंगे अपने टाइमलाइन में। आप देख पा रहे हैं मैंने टाइमलाइन में काउंट नंबर 7 को ऐड कर लिया है। उसके बाद दोस्तों, हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें एक एलिमेंट्स ऐड करना है जो कि थोड़ा सा 3D मोशंस दे सके। तो हम एलिमेंट्स पे क्लिक करेंगे और जैसे आप सर्कल देख पा रहे हैं, ये एनिमेटेड सर्कल्स हैं जो हमारे वीडियो को प्रोफेशनल में 3D लुक देने के काम आएंगे। तो हम इसको अपने टाइमलाइन में ऐड कर लेते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, टाइमलाइन में मैंने ऐड कर लिया है। अब इसको हमें चूज़ करना है कि आपको कितनी सेकेंड का यूज़ करना है। जैसे कि ये 7 सेकंड का है तो हम 7 सेकंड तक उस सर्किल एनिमेटेड सर्किल को ऐड कर लेंगे अपने टाइमलाइन में और दूसरे वाला सर्किल को यूज़ करेंगे जो थोड़ा सा लुक और प्रोफेशनली लगे कि लगे 3D इंट्रो है। तो दोस्तों, आप जैसे देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, वैसे वैसे आपको अपने टाइमलाइन में ऐड करते जाना है और जैसे ही ऐड हो जाएगा उसके बाद आपको थोड़ा सा प्ले करके देखना है कि ये सही काम कर रहा है या नहीं। आप यहाँ पे टाइमलाइन को थोड़ा सा जूम करके और चेक कर सकते हैं कि आपका जो आपने ऐड किए हैं एनिमेटेड सर्किल वो सही से प्रॉपर फिट हो गए हैं या नहीं। अगर थोड़ा सा भी आगे पीछे बाहर है तो उनको एक्यूरेट कर लें, जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। दोस्तों, अब मैंने क्या करा है, जो हमारा लोगो है उसको भी टाइमलाइन में ऐड कर दिया है। अब ये टाइमलाइन के हम जो सारे के सारे जो टाइमलाइन में ऐड हो गए हैं 4 पार्ट में, वो चारों एक साथ काम करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, एडिट करना है और आप उसको इस सर्कल को इफेक्ट डाल सकते हैं। जैसे कि आपका जो इमेज होगा जो रेक्टेंगल में था वो अब सर्कल में दिखाई देगा। इस सर्कल में इसलिए किया गया है क्योंकि जो हमारा एनिमेटेड है वो सर्कल में है। अब इसको हम उन सर्कल के अकॉर्डिंग फिट कर लेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, जैसे जैसे लगे कि इसके बीच में, क्योंकि सर्कल जो एनिमेटेड आपको दिखेगा वो राउंडली घूमेगा और उसके बीच में ही आपका जो लोगो इमेज है वो बीच में सही से वर्क करे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अभी तो मतलब एनिमेटेड जो सर्कल है वो तो अच्छे से काम कर रहा है, पर आपका जो लोगो है वो स्टेबल है, उसके अंदर थोड़ा सा मोशंस डालने पड़ेंगे जिससे कि वो आगे पीछे हो पाए। तो उसको हम एडिट करते हैं और एडवांस एडिट में, जो कि एडिट में है, एडिट में जाएंगे और हमको जूम आउट, जी हाँ दोस्तों, जूम आउट को हम यूज़ करेंगे कि आपका जो लोगो है वो थोड़ा बाहर की तरफ आए और 3D लुक दिखाई दे। तो हम इसमें ऐड कर लेते हैं। उसको आपको दोबारा से आपको रीसेट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर सर्किल, जो एनिमेटेड सर्किल हमने अपने टाइमलाइन में ऐड किया था। अब देख पा रहे हैं, अब उसको हम चला के देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सही से वर्क कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, लग रहा है कि हाँ सर्किल भी काम कर रहा है, 3D लग रहा है। दोस्तों, आप जो आपने इंट्रो बना लिया है आप उसके अंदर अब म्यूज़िक भी ऐड कर सकते हैं। तो आप म्यूज़िक पे क्लिक करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये आप देख पा रहे हैं, ये सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट म्यूज़िक हैं। आप इनको ऐड कर सकते हैं अपने टाइमलाइन में अपने इंट्रो के लिए, इससे आपको कोई कॉपीराइट स्ट्राइक भी नहीं आएगा। तो टाइमलाइन नंबर 5 पे हम उस म्यूज़िक के ऐड कर देंगे जो कि आपको चाहिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, मैंने उसको ऐड कर लिया है, पर ये थोड़ा स्क्रीन में मतलब कि जो टाइम है वो ज़्यादा है, तो हम इसको अकॉर्डिंग टू अपने इंट्रो कर लेंगे और इसको बाकी को स्प्लिट कर देंगे। और अब दोस्तों देख पा रहे हैं कि अब टाइमलाइन में पूरा का पूरा हमारा जो इंट्रो है वो अब रेडी है। वो अब चला के देखते हैं। हाँ, अब म्यूज़िक के साथ हमारा जो इंट्रो है वो कम्प्लीटली वर्क कर रहा है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसे वीडियो लेके आता रहूँगा। टिल देम, टेक केयर एंड बाय।